भाइयों बहनों, हमने जन औषधि केंद्र खोले। उसी प्रकार से आज जीवन बहुत बदल चुका है। अगर परिवार में कोई जवान बेटा चला जाए, परिवार में कोई सदस्य चला जाए, तो उस परिवार को कितनी बड़ी आफत आ जाती है, कितनी बड़ी मुसीबत आ जाती है। उसके लिए हमारी सरकार ने एक महीने का सिर्फ एक रुपया, एक महीने का सिर्फ एक रुपया, चाय के कप की कीमत भी ज्यादा होती है, वैसा बीमा निकाला। दूसरा एक बीमा निकाला हर दिन का 90 पैसे वाला, सिर्फ 90 पैसे, एक रुपया भी नहीं। और इस बीमे से जो जुड़ेगा, उसके परिवार में अगर कोई अनहोनी हो गई तो 2-2 लाख रुपया उस परिवार को सुरक्षा का कवच दे दिया। भाइयों बहनों, मुझे संतोष है कि आज ये 90 पैसे की योजना से, एक रुपये वाली योजना से, मेरे देश के 19 करोड़ गरीब परिवार आज जुड़ चुके हैं। और किसी के परिवार में मुसीबत आई तो ऐसे परिवारों तक हजारों करोड़ रुपए पहुंच गए हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश में किसानों की बातें करने वाले तो बहुत हो गए, लेकिन क्या कभी किसानों की बात करते समय किसी ने भी छोटे किसान की बात कही है क्या? छोटे किसान के लिए कोई बोलता है क्या? अरे, हमारे देश में 100 में से 90 किसान छोटे किसान है। 100 में से 90 जिनके पास 1 हेक्टर भी भूमि बड़ी मुश्किल से है। और जब परिवार बड़ा होता है तो उस जमीन के भी 2 हिस्से हो जाते हैं। इन छोटे किसानों की चिंता कौन करेगा? भाइयों बहनों, इसलिए छोटे किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने पीएम किसान सम्मान योजना चलाई है। यहां बलिया के भी करीब 5 लाख किसानों को, यह आंकड़ा छोटा नहीं है मेरे भाइयों, आपको कभी किसी दफ्तर में जाना नहीं पड़ा है, आपको कभी मोदी को चिट्ठी नहीं लिखनी पड़ी है, कोई नेता मेरे पास कहने के लिए नहीं आया था, लेकिन मैं छोटे किसानों को जानता हूं, उनके दर्द को जानता हूं। इसलिए अकेले बलिया में 5 लाख किसानों को अब तक 700 करोड़ रुपए से ज्यादा उनके खाते में सीधे जमा हो गए हैं। भाइयों बहनों, उम्र के एक पड़ाव के बाद गरीब को दिक्कत ना आए, इसके लिए पेंशन की भी व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है।